तो और भाई लोग कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आ चुका हूँ मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ वापस। तो भाई अभी हम लोग लॉबी में ही है। तो ये आगे देखो भाई, दो बंदे, ये देखो एक लौंडिया एक लौंडा। देख भाई वो भाई कति चुम्मा चाटी हो रखी है भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमेंट दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था मुझे। तो ये देखो, डेडली इज जोनाथन लाइट वर्जन, क्या जिगल करता है लॉन्डे, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बना ब्रो, लव फ्रॉम इरेंगल। भाई लव यू टू फ्रॉम इरेंगल। फिर दूसरी बार बोलता है कि भाई भाई तो फिर जिगल मोमेंट की वीडियो बना दे। भाई जिगल मोमेंट, चलो ठीक है। पहले हम लोग पूछते हैं अपने सब्सक्राइबर से, 38 के 38 लोग, जल्दी से जल्दी आज मुझे कमेंट्स चाहिए कि भाई तुम्हें जिगल मोमेंट की वीडियो चाहिए या नहीं। अगर आज इस वीडियो में 11 लाइक्स और 38 कमेंट्स हो गए और हमारे 40 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो भाई मैं जिगल मोमेंट पर वीडियो लाऊंगा कल कल या फिर परसों तक वो वीडियो आ जाएगी। तो अभी बात करते हैं हम इस गेम प्ले की। ये गेम प्ले में हम जा रहे हैं अभी जॉर्जपुर में। अब तुम्हें तो भाई सब पता ही है, सबको पता है भाई, जो जो पबजी खेलते हैं भाई उन लोग को पता ही होगा कि जॉर्जपुर में तो भाई लूट मिलती है नहीं। और ऊपर से मेरी लैंडिंग इतनी घटिया भाई, बंदा मेरे आगे से कब का लैंड कर चुका, मैं अभी लैंड कर रहा हूँ। और तुम्हें तो भाई पता ही है मेरे फ़ोन की हालत। अब देखना भाई, ये साल ऐसे ही चला लो, अगले साल मैं एक अच्छा सा फ़ोन लूँगा, फिर आपको कमाल का 60 FPS शायद गेम प्ले देखने को मिले। तो अभी मुझे सिर्फ पिस्टल मिली है, तो भाई इस पिस्टल से मैं क्या ही कर लूँगा भाई। अब देख ये तीन वेयरहाउसेस है, अब तीनों के तीन वेयरहाउस में एक भी ढंग की गन नहीं है, सिर्फ पिस्टल पिस्टल और पिस्टल। और भाई वेस्ट हेलमेट मिल चुका भाई मुझे, भाई एक गन तो दे दो। और मुझे एक आगे बंदा स्पॉट होता है, भाई एक एक पिस्टल से भाई मैं क्या ही कर लूँगा भाई। उसको मैंने एटलीस्ट 10 HP कर दिया, इतनी गोली मारी। अगर भाई मेरे पास कोई, चलो VSS भी हो जाती भाई, थोड़ा सा तो काम चल जाता। तो भाई अभी के लिए एक बंदा मेरे दूसरे वेयरहाउस में, मतलब सेकंड वेयरहाउस में। अब देखो यार कैसे कैसे मारा है इसको, देखो कतई यहाँ पर भाई हेडशॉट ने बचा लिया, नहीं तो भाई मेरा काम इधर ही कमार था। लॉन्डे के पास M4 और S12 की है भाई, मैंने बोला था स्टार्टिंग में एक S12 के वाला बंदा है, इसको M4 मिल चुकी थी और 3x तो हमें मिल ही चुका है। तो देखते जाओ भाई आगे गेम प्ले, मतलब थोड़ा सा थोड़ा, मतलब 1% या फिर कह सकते मेरे ख्याल से भाई 10% इंटेंस था, थोड़ा बहुत इंटेंस था लास्ट का सीन, तो वो देख के तो ज़रूर जाना यार। अभी के लिए मैं बंदों को स्काउट कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अब तो भाई कोई बंदा नहीं आया। देखो इसको मारने के बाद हमारे दो दोस्त आ जाते, एक को मार देते और दूसरा दोस्त वो आ रहा है इसको भी। ये तो भाई बॉट भाई साहब, अपनी केड़ी बढ़ाते यार, मेरी नहीं सबकी केड़ी बढ़ाते। इधर रियल बंदे भी हैं, अभी गौर करना, मुझे लगा कि भाई खाली हो गया। तो भाई आगे एक बंदा मेरी किल चोरी करने की फिराक में था, वो देखो स्पॉट हुआ ना, मैंने इसको फायर करने का कोशिश किया पर नहीं हो पाया। तो भाई अब मुझे लगता है कि ये लोग, मैं फ्लाइंग करता हूँ, चलो भाई फ्लाइंग करते। तो भाई ये बंदे तो भाई मुझसे भी ज़्यादा तेज़ निकले भाई, दूसरे साइड से फ्लैंक भी करने लग गए, वाह भैया वाह। तो चलो इन्हें भी मारते हैं।
नो इडियस इन्हें तो भाई तुम्हारे भाई ने वन वी टू कर दिया भाई। तुम क्या बोलते हो सोलो वर्सेस स्क्वाड का मैच है, खोला तो है सोलो वर्सेस स्क्वाड भाई, मूवमेंट तो भी मैंने काम किया, इसमें बंदे थोड़े थोड़े करके आ रहे थे और ये दो बंदे पता नहीं भाई मैं मान गया कहां ही अलग आ रहे हैं। तो ये गेम प्ले बताओ भाई, तुम स्पेशली कमेंट करो कि ये गेम प्ले कैसा है, सबका सर्वनाश कर देंगे। पर तुम्हें क्या पता भाई, इन्हें क्या पता था भाई, मैं भी हूँ इधर डेडली भाई है भाई डेडली, मेरा नाम ऐसे ही डेडली नहीं है। उनको मारने के बाद जॉर्जो पुल पूरा का पूरा क्लियर हो चुका था, हमारे 5 किल हो चुके थे पहले से ही और जॉर्जो पुल में। तो मैं जॉर्जो पुल को अलविदा करके ये 3 क्या पता नहीं क्या बोलते इसको भाई, हम तो भाई ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे भाई, कॉपीराइट आ जाएगा भाई मत कर। तो भाई अब आगे मुझे दिखा एक ड्रॉप, तो मैं अपनी गाड़ी मोड़ के उस ड्रॉप की तरफ लेता हूँ। पर भाई मैं सबसे पहले कोई कवर ढूंढ रहा था क्योंकि भाई मैं सोलो हूँ और भाई सबसे ज़रूरी बात कि मेरा डिवाइस अच्छा नहीं है, और जब आपका गेम बहुत ज़्यादा लैग करता हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रेंज फाइट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत कम भाई, अपनी क्लोज रेंज फाइट थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर भाई तुम्हारे तुम सोलो खेलोगे, अगर तुम्हारे पास एक लो एंड डिवाइस है तो तुम सोलो खेला करो बस, सोलो या फिर डुओ, क्योंकि भाई उसमें बंदे बहुत कम आते हैं, या सोलो वी स्क्वाड खेलो भाई बस, या डुओ वी स्क्वाड, क्योंकि तुम्हारा उसमें लैग कम होगा। तो अभी के लिए मैं इस रिज पे उतर जाता हूँ और देखता हूँ कि भाई बंदे किधर हैं। तो इतने में हमारा एक और दोस्त आ जाता है, तो चलो उसे भी मारते हैं। तो भाई इस वक्त देखो भाई ये आज़ाद भाई अभी हाई लिख रहे हैं, मैंने इनको हाई भाई 2-3 दिन पहले लिखा था और हाई अभी रिप्लाई अभी आ रहा है, देखो भाई क्या ही है। तो मुझे मैंने मिनी उठा ली इस कारल के बदले, और मुझे आगे बंदे स्पॉट थे, मुझे पता था भाई आगे बंदे हैं, क्योंकि भाई एक बग्गी गई थी उधर से, तो मैं सोचता कि भाई चलो भाई अपनी बग्गी लेके उन पर पुशी कर देते हैं। इतने में ही मुझे एक फ्लेयर दिखता है, ये फ्लेयर बिल्कुल लावारिश थी, कोई बंदा नहीं था। तो भाई मैं इस फ्लेयर के बारे में तो भाई बाद में भूल ही जाता हूँ कि भाई फ्लेयर ही था, उसको लूटना था। तो मैं सीधा आगे बंदों पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और पुश कर देता हूँ। तो अब इधर आएगा एक बंदा, और देखो भाई क्या ही बंदा था यार, क्या ही बंदा था। इसको तो भाई पता ही नहीं चला भाई गोली कहाँ से पड़ रही है कहाँ से। तो भाई पीछे और बंदे थे भाई M4 वाले, फिर मुझे साउंड आई थी भाई M4 की चलने की, तो मैं इधर ही लेट जाता हूँ थोड़ी देर, तब तक मुझे पता चलता है कि भाई जोन आ रहा है, तो मैं फटाफट से जोन की तरफ जाता हूँ। ओ भाई साहब ये बग्गी ना भाई, ये इसके सस्ते नशे अलग ही होते हैं यार, मैं इसका टायर फोड़ना ही भूल गया। तो भाई किसी तरह मैं इधर बच जाता हूँ थैंक्स टू देयर एम, उन लोग की एम की वजह से, खटिया एम की वजह से मैं बच जाता हूँ और इधर आके हील करता हूँ। इतने में ही आ जाती है गाड़ी। अब ये गाड़ी में भाई मैं सोचा भाई कतई 3-4 लौंडे होंगे भाई, मैं तो कतई सहम गया था इधर। तो जब मैं देखता हूँ भाई एक ही फुटस्टेप से आ रहे, तो वो नीचे भाई मासूम सा था भाई, तो हील कर रहा था, तो चलो उसे भी मारते हैं।
इसको मारने के बाद सबसे जल्दी सबसे पहले मैं इससे हीलिंग उठाता हूँ, सारी की बहुत सारी हीलिंग उठाता हूँ मैं, और इसकी गाड़ी लेके सबसे पहले जोन में जाता हूँ। तो भाई अब इधर होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मेरा लैग होता है और बंदे हैं आगे, और मेरी गाड़ी भी पलट जाती है, पलटने वाली होती है। तो आगे बंदे हैं, एक बंदा मुझे इतना गंदा डैमेज देता है, तो ये देखो बीच में फ्यूल ही ख़त्म हो गया। ओ भाई साहब, कहते भाई मत मारो भाई, मत मारो भाई भाई भाई, हाँ नहीं मारा तो मैं इसको स्काउट कर रहा हूँ भाई, कहाँ ही से मारा भी वो देखो भाई। अगर ये वो भाई क्या ही डैमेज है, अगर ये भाई 3x होता ना भाई, कतई भाई मैं इसको उधर ही लिटा देता, कसम से बोल रहा हूँ उधर ही नॉक कर देता मैं। ये 6x को मैं 3x बनाने भूल गया, तो कोई बात नहीं भाई। तो अब थोड़ा थोड़ा ये मैच इंटेंस होते जा रहा है। मेरे साइड में स्मोक हुआ पड़ा है, मेरे सामने एक मिनी वाला बंदा है जो भाई बहुत तेज़ तेज़ मिनी का टैप टैप मार रहा है, और आगे आगे भी कुछ गोलियां चल रही है M4 की। तो भाई ये और आगे अब मैं क्या ही बताऊं यार, ये मिनी वाले बंदे ने भाई मुझे तंग करके रख दिया है। तो मैं बोलता हूँ भाई इन दोनों को आपस में लड़ने दो, ये साइड वाले को इसको ख़त्म करने दो, और मैं साइड वाले को जाके मारूंगा। अब भाई जोन भी आ जाता है, और देखो भाई मैं इसको क्यों नहीं मार रहा हूँ आपको बाद में पता चलेगा। तो भाई मैं इधर का सीन समझाता हूँ। आगे एक और स्क्वाड है, और इधर एक दो बंदे थे। एक बंदे को तो मैं लपेट लेता हूँ, और दूसरे बंदे को आगे वाले मार देते हैं। तो अब ये सिचुएशन हो चुका था 1v3, तो मुझे लग रहा था कि आगे बंदे होंगे तो मैं फायर फोर देता हूँ, तो वो निकलता है एक बगी। तो भाई अब सब लड़ लुड़ के भाई, अब बाकी देखो ओम से एक और बंदा ठेल गया, अब तीन बंदे बाकी है। अब दो बंदों के पास स्नाइपर है, और मेरे पास बस एक एम और एक M4, और उसमें लगा है 6x। तो भाई मैं इतना रिस्क तो नहीं लेने वाला हूँ भाई स्नाइपर के, और आगे वाला बंदा भाई कोई कम स्नाइपर नहीं है, अब देखते जाओ। एक गोली उसने पहले ही मार दी थी भाई, पता नहीं क्या ओम थी कि भाई क्या थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मेरे फुल हेल्थ की वजह से मैं बच गया। अब देखो मेरे पास यहाँ पर वेस्ट नहीं है, अब जब मैं गेम खेल रहा था तो मुझे भाई या पता नहीं चला कि भाई मेरा वेस्ट ही नहीं है, मुझे तो बाद में जाके पता चला कि भाई मेरे पास तो वेस्ट ही नहीं है, सिर्फ लेवल 3 का हेलमेट है। तो भाई अभी वो दो बंदों के बीच स्नाइपर चल रहा है, ठीक है। एक बंदा घर पे है, और एक बंदा यहीं कहीं सांप बना पड़ा है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा। अच्छा वो भाई उसने नहीं मारा। तो मैं जब देख रहा हूँ भाई कवर कौन कौन सा है, मुझे लगा कि आगे जो वो है वो डासी है। तो भाई अभी मैं इसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि भाई स्मोक उक करके डासिया लेके पुश करते हैं। तो मैं स्मोक उक करता हूँ, और जाके पता चलता है कि भाई वो डासिया नहीं, वो तो कुछ और ही थी। अरे भाई यार मेरी किस्मत इतनी क्यों खराब है। तो भाई कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं इस स्क्वाड हाउस में आ तो जाता हूँ, पर इधर से भी भाई जोन शिफ्ट कर जाता है। वाह भाई कते है। इस वक्त आगे घर वाले बंदा और
एक ओपन वाला बंदा के भी स्नाइपर स्नाइपर का खेल चल रहा है। मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाता हूँ और लेफ्ट से फ्लैंक मारते हुए जाता हूँ। ये मेरे लिए सबसे बढ़िया मौका था भाई कि मैं फ्लैंक कर सकूं, क्योंकि भाई ये घर वाला और एक ओपन वाला बंदा उन लोगों के बीच स्नाइपर स्नाइपर का खेल चल रहा था, तो ये जो घर वाला बंदा है ये उसको मार देता है। अब ये सिचुएशन हो जाएगा 1v1। अब देखते जाओ भाई, मैं इधर बिल्कुल कमेंट्री नहीं करने वाला, आप बस मजा लो। यहाँ हमारा उठ चुका है विनर विनर चिकन डिनर विथ 10 kills। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो करना है करो। पर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड पीस आउट।